यश जी, आज एक रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है जिसमें सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और शशिकांत सिंह जो कि पत्रकार हैं उनका आवाज़ है और दिनेश जी काफ़ी गुस्से में उसमें सुनाई दे रहे हैं। इसके ऊपर उम्मीद करता हूँ आप रिकॉर्डिंग सुने होंगे, इसके ऊपर आपका क्या राय है? देखिए, मैं अभी शूट कर रहा हूँ मेरी बिटिया का और दिनेश भैया की रिकॉर्डिंग मुझे कुछ लोगों ने भेजी और मुझसे राय मांगी मेरी कि क्या बोलना चाहते हैं। उसमें एक आरा के और छपरा के पत्रकार भी हैं। मैंने उन लोगों से एक ही बात कहा है कि मैं शशिकांत जी को करीब 2.5-3 साल से जानता हूँ, क्योंकि 2 साल पहले मेरे भी वो पर्सनल PRO रह चुके हैं। दिनेश भैया को तो जब से हम इस इंडस्ट्री में आए हैं तब से जानते हैं। दिनेश भैया जैसा इंसान अगर ये गाली गलौज कर रहे हैं या गुस्से में आके गाली दिए हैं तो आप सोचिए कि किस लेवल तक वो फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, क्योंकि वो एक ऐसे स्टार हैं जो सेट पे आज तक हमने कभी उनको तेज आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुना है। वो ऐसे इंसान है कि स्पॉट बॉय तक को भैया कह करके बुलाते हैं। तो इतना रिस्पेक्ट देने वाले इंसान अगर गाली गलौज कर रहे हैं तो उनको कितना मानसिक तनाव पहुंचा होगा शशिकांत जी के द्वारा। और शशिकांत जी का अगर 2 साल से पोस्ट आप देखें फेसबुक के, तो फेसबुक के पोस्ट में उनको सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री की बुराइयां नज़र आती हैं। दिनेश लाल यादव जी में बुराइयां, पवन जी में बुराइयां, खेसारी जी में बुराइयां, चिंटू में बुराइयां, सब में बुराइयां उनको नज़र आती हैं। भाई, आप पत्रकार हैं, उम्मीद करता हूँ कि उम्मीद नहीं मैं आप पत्रकार हैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको पत्रकारिता करनी चाहिए तो अच्छी तरीके से कीजिए। आपको किसी फिल्म की बुराई करनी है तो उस फिल्म को देखिए, उसमें जो आपको माइनस लगता है उसको भी रखिए पक्ष, जो प्लस लगता है उसको भी रखिए। आप हर दिन का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन निकाल निकाल करके बात करेंगे, फिल्म 200 जगह लगी है, अगर 200 जगहों में 175 जगह उसका कलेक्शन अच्छा है और 25 जगह कलेक्शन अच्छा नहीं है तो आप उस 25 जगह का ही क्यों डालते हैं? 175 जगहों का डालिए जहाँ पे फिल्म का कलेक्शन अच्छा है। आप हीरो के बेडरूम में घुस करके उसकी बातें लिखेंगे? किसी भी हीरो की यार एक प्राइवेसी होती है, उस प्राइवेसी को आप क्यों नहीं समझते हैं? शशिकांत भाई, आप एक अच्छे पत्रकार हैं तो उस पत्रकारिता की गरिमा को भंग ना करें। एक स्टार के आप बेडरूम की बातें लिख देते हैं। मैं आपको पर्सनल, मैं मतलब ना, अगर शशिकांत जी की बात करें तो मैं शशिकांत जी से पर्सनली भी 4 बार इस चीज़ को मना कर चुका हूँ। अभी हाल ही में एक पार्टी में मिले थे, मैंने कहा शशिकांत भाई आप अच्छी कलमकारी करते हैं तो अच्छी चीज़ों पर फोकस कीजिए ना, आपको सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में बुराइयाँ नज़र आती हैं, ये अच्छी बात नहीं है यार। और दिनेश लाल यादव जी, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि इज्जत देने के मामले में, इज्जत लेने के मामले में दिनेश लाल यादव जी जैसा कोई नहीं। कमाल के एक अच्छे इंसान हैं, वो बड़े प्यार से सबसे बात करते हैं और वो इस लेवल तक मानसिक फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं कि वो गाली गलौज कर रहे हैं। सोचिए उनको कितने ठेस पहुंचा होगा। एक और जहां पे फिल्में कम चलती हैं, कोई ज़्यादा चलती हैं, एक इंसान ने 3-4 करोड़ रुपए लगा करके एक फिल्म बनाई है बॉर्डर, दिन रात अपनी टीम को लेकर के मेहनत कर रहे हैं, वो बिहार में धूप में घूम रहे हैं, उसको प्लस लेना चाहिए, निगेटिव क्यों ले रहे हैं आप लोग? उसको ये देखिए कि वो स्टार होने के बावजूद दिन रात एसी में रहते हैं बॉम्बे में, लेकिन गर्मी में भाग भाग करके हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है, एक अच्छा सिनेमा बनाया है, आप जा करके उसको देखिए। हमें उसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि शशिकांत जी के ये पोस्ट बेहद ही निंदनीय है, शर्मनाक है। और शशिकांत जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे पत्रकार हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस हरकत के बाद सुधर जाना चाहिए। मैं इसमें कहीं दिनेश जी की गलती नहीं मान रहा हूँ। आप किसी भी इंसान को इस लेवल तक फ्रस्ट्रेट कर देंगे तो वो गाली गलौज करेगा ही करेगा। आफ्टर ऑल स्टार होने के, स्टार हम बाद में, यार हम भी एक इंसान है, हमारे पास भी एक दिल है जिसमें दर्द होता है। हमारी पर्सनल चीज़ों पर अटैक मत करिए। फिल्मों के बारे में लिखना है, खूब लिखिए ना भाई, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिख देंगे, फ्लॉप हो गए ये लिख देंगे, डूब गए निर्माता ये लिख देंगे, दिस इज़ नॉट फेयर। पता नहीं कब समझेंगे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ों को आप लोग बैठ करके सलट लो अपने में और इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए। शशिकांत जी, इंडस्ट्री के निगेटिव चीज़ों को मत बोलिए। धीरे 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 आप सबके नज़र में बुरे हो गए हैं यार। प्लीज़ किसी इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए, उसको बर्बाद मत कीजिए। और शशिकांत जी जैसे जितने भी पत्रकार हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि प्लस सोचिए। मानसिक स्थिति नहीं है आप लोगों की सही, जो आप लोगों को सिर्फ भोजपुरी में बुराइयाँ दिखती हैं। और मैं दिनेश भैया के साथ हूँ। दिनेश भैया ने जो किया है, एक स्टार के रूप में मत देखिए, एक आम इंसान के रूप में देखिए। एक आम इंसान के घर में, गांव में तूतू में होती है तो गाली गलौज होती है, लाठी निकल जाती है, वो भी हमारे तरह आपकी तरह इंसान है, लाठी मार दिया जला, कपार फूट जला,
चोट लग जाती है, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो वो नॉर्मल आदमी है तो उनकी बातों को कुछ नहीं, हम यहाँ पे एक स्टार आदमी है, दिनेश लाल यादव एक सुपरस्टार है, तो उनको वो कर देना। और दूसरी कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं जिनको कोई जानता नहीं है, कुत्ता नहीं जानता है उनको गली का, और वो फेसबुक पे आकर के भोजपुरी स्टारों की बुराई कर देते हैं और बुराई करके चार लोग जानने लगते हैं। व्हाट द हेल यार, क्या कर रहे हो आप लोग? अच्छी चीज़ों में एनर्जी लगाइए अपनी, बुरी चीज़ों में नहीं। सुधरिए, समाज को सुधारिए। उम्मीद करता हूँ कि इतना बहुत ज़्यादा है गुस्सा, मैं भी हूँ लेकिन अपने गुस्से को दिखाना नहीं चाहता हूँ। बस कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी को बढ़ाइए, भोजपुरी को डुबाइए मत। और दिनेश भैया को मैं दिल से बोलता हूँ बॉर्डर फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ लक भैया, बॉर्डर फिल्म बहुत अच्छी कर रही है, इसी तरीके से सिल्वर जुबली हो ताकि लोगों का मुंह बंद हो। जय हिंद।